हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम शेयर करेंगे कि कैसे हम पुरानी चीज़ों से नया लुक देके, पुरानी चीज़ों को नया लुक देके घर के लिए कितनी सुंदर सुंदर सी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये मेरे पास पुरानी चीज़ें थी जो कि मैंने, ये देखो, इसका टेबल लैम्प की तरह मैंने यूज़ किया है। और एक में मैंने जो मनी प्लांट डाला है, ये भी मेरा एक पुराना डिब्बा था, उसी के साथ मैंने बनाया था। तो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल था ये। तो आप वीडियो पूरा देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये देखो, ये मेरे पास एक जो वाटर फिल्टर होता है ना, मैनुअल वाटर फिल्टर होता है, वो था मेरे पास। देखो, यहाँ पर टैप लगा हुआ था यहाँ पर, तो ये मेरा ख़राब हो गया था। इसके साथ मैंने एक जो इसका ऊपर वाला हिस्सा था ना, उसका मैंने फ्लोर लैंप बनाया था। तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, तो आप वीडियो ज़रूर देखना। मैंने फ्लोर लैंप बनाया था। तो इसको देखो, मैं कैसे सिंपल सा एक, जैसे अभी आउट ऑफ फैशन वाली जो कोई लेस आपके पास पड़ी हो पुरानी, तो अभी ये लेस आजकल इतनी चलती नहीं है, ट्रेंड में नहीं है, तो इस लेस का ही मैं यूज़ करूँगी। तो इसको कुछ भी नहीं करूँगी, कोई पेंट वगैरह नहीं करूँगी, और सिंपल इसको लेस चिपका दूंगी। और अंदर वाली साइड अगर आप चाहो तो पेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको पेंट की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने पेंट नहीं किया, तो मैंने पूरे पे इस पर क्या किया, ये लेस पूरे में चिपका दी। और इसके बीच में फिर लाइट लगाऊंगी ना, फेरी लाइट, तो ये बहुत ही अच्छा लुक आया इसका, तो बहुत सुंदर लगेगा। लाइट अंदर से हमारी पूरी दिखेगी, इसमें से लाइट बाहर को आएगी, तो ये डिज़ाइन हमारा जो लेस का डिज़ाइन है ना, ये काफ़ी सुंदर लगेगा देखने में, बहुत अच्छा। तो ये वाटर फिल्टर जो होता है मैनुअल, उसी का था ये एक जो नीचे वाला पार्ट होता है। अभी एक इसका और बचा है, जब उसका भी मैं कुछ DIY करूँगी तो आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखो, पूरा मैंने इसमें लेस लगा ली है। अब मैं क्या करूँगी, अब लगा दूँगी मैं इसमें थोड़े से मिरर, और इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना लूँगी। तो थोड़ा सा मिरर लगा के और अच्छा लगने लगा, ये देखो कितना सुंदर बन गया। तो अभी मैं आपको ये इसमें फेरी लाइट लगा के दिखाऊंगी। अभी हम दूसरा वाला DIY बनाएंगे। तो ये देखो, ये भी प्लास्टिक का डिब्बा है मेरे पास, ये देखो। इसको कुछ भी नहीं करेंगे हम, कोई कट वगैरह नहीं करेंगे, सीधा इस पर जो ये आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं, ये मैं इसके ऊपर चिपका लूँगी। कुछ बीच में थोड़ी टेढ़ी है ना, उनको मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो ये देखो, हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैं सारे इस पे आइसक्रीम स्टिक्स लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा वाटर प्योरीफाई था ना, मैनुअल वाटर फिल्टर जो था, ये मेरा कब का था, पड़ा हुआ, ख़राब हो गया था। तो इसका मैंने पहले फ्लोर लैंप बनाया था, और अभी मैंने इसका फिर लैंप की तरह मैं इसको यूज़ करूँगी एज ए टेबल लैम्प। तो बेड के साइड पे जो, जैसे हमने कोई टेबल वगैरह रखा होता है वहाँ पर हम रखेंगे ना, बहुत ही सुंदर इसमें से लाइट आएगी। तो ये देखो, आइसक्रीम स्टिक्स मैंने इस पर सभी चिपका ली हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट करने के लिए, ये मिरर वाली लेस मेरे पास पड़ी है, ये लेस मैं इसके ऊपर लगा दूँगी, ये देखो। और इसमें आप बच्चों के पेन, पेंसिल, ब्रश, पेंटिंग ब्रश वगैरह कुछ भी अपनी मतलब ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे डिब्बे, तो डिब्बे हर किसी के घर में पड़े होते हैं, तो हम थोड़ा सा उनको एफर्ट करके, थोड़ा डेकोरेट करके चीज़ों को फिर से यूज़ कर सकते हैं, फेंकने की बजाय हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो, लेस मैंने इस पर लगा ली है। अब मैं, ये देखो, ये भी कितना सुंदर लग रहा है ना, अभी लग ही नहीं रहा था कि ये हमारा कोई ऐसे बेकार सा प्लास्टिक का डब्बा है। तो इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, अपने स्पून वगैरह या कुछ भी आप रखना चाहते हो, अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी दोनों को मैं आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ, तो आप बताना कि कैसे लगे आपको। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और आपके पास भी ऐसी पुरानी चीज़ें कोई पड़ी हो तो आप फेंकने के बजाय उनको डेकोरेट करके अपने घर को सजा सकते हो बहुत ही बजट में। तो ये देखो, ये मैंने इसमें फेरी लाइट लगा दी है। तो मैंने बेड के साइड पर जो टेबल होता है ना, वहाँ पर रखा है ये। तो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना अच्छा लुक आया। ऐसे तो मेरा ये पड़ा हुआ था डिब्बा, ऐसे बेकार सा, किसी काम का नहीं था, तो हमने इसको कितने अच्छे से यूज़ में लाया है। ये देखो, यहाँ पे मैंने बेड के साइड पे इसको रखा है। तो फ्रेंड्स, आप बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और अगर ये जो मैंने इसमें मनी प्लांट डाला है ना, ये जो मैंने आइसक्रीम स्टिक्स के साथ बनाया है,
इसमें देखो मैंने ये जो कप था मेरा एक छोटा सा, मैंने कप में होल कैसे करते हैं ये वीडियो भी डाला हुआ है, तो उसी कप में मैंने ये मनी प्लांट लगाया। देखो कितना छोटा सा कप है और इसमें कितने अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।